हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल आई एम सुधा चेक। और मैं यहाँ ब्लॉगिंग करती हूँ। टाइम हो रहा है 9:30 बजे का और मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है रात के टाइम। और रात हो रही है, वो देखिए विंडो में रात हो रही है, रूम की लाइट वहाँ पर जा रही है, तो लाइट वहाँ पर रूम की जा रही है, तो रात हो रही है। रात में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि थोड़ा सा दिन में वही बिजी बिजी काम थे सारे, तो मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन रूटीन ब्लॉग बनाने के लिए जो है वो बाकी जो पूरा दिन था वो बहुत जल्दी 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 सारे काम करने होते हैं, ख़ास तौर पे जो मगरिब तक की जो नमाज होती है, फिर कुरान होता है, बच्चों को कुरान सुनना होता है, ये सब चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी करनी होती हैं। और उसके बाद जो है फिर बाकी जब हमारा रिलैक्सिंग टाइम होता है उस टाइम जो है मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं ना अभी आके ब्लॉग स्टार्ट करूँ, हालांकि रूटीन ब्लॉग था। तो बात सारी ये है कि देखें कुरान जो है वो बच्चों का सुनना, वो मैं उसको शूट नहीं कर सकती, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वो रूटीन वर्क होता है सारा का सारा। वो तो डेली हमारा रूटीन वर्क है कि हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो मैं बार बार उसको शूट नहीं कर सकती। कभी कभी मैं ऐसे ही बैठी होती हूँ कि चलो मुझे और कुछ नहीं करना, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ उसको आप लोगों के लिए उसको मैं बना लेती हूँ व्लॉग को, कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ कि मेरा ये वाला टाइम ऐसा था। तो बस ये सारा दिन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाता है। और आज दिन भर जब काम में लगे होते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, तो सारे कामों से फारिग होने के बाद मैंने अपनी बात लिया है और फ्रेश हुई हूँ। फ्रेश होके मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। हल्का सा कुनकुना सा करूँगी मैं क्योंकि थोड़ा सा गर्म पानी में पीना चाह रही हूँ, ताकि सही हो जाए ना। शाम के 5 बज रहे हैं और हमारी लाइट गई हुई है और पंखा बंद हुआ हुआ है और गंदा हो रहा है, पता नहीं इसको साफ़ कब करूँगी मैं। मुझे कमेंट आया था कि पंखा तो साफ़ कर लें, तो भैया हमने आपके पंखे आके देखे नहीं हैं, आपके घर में कैसे पंखे हैं, क्या चीज़ कैसे रखी हुई है। ओके, तो ये है मनाहिल और मनाहिल गेम खेल रही है और हमारी लाइट गई हुई है। मैं ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं ना ये दराज़ जो है इसकी सेटिंग कर लूँ। और दराज़ में मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दराज़ बिल्कुल ख़ाली थी जब हम 3 मंथ्स बिफोर हम इस घर में जब शिफ्ट हुए, तो बिल्कुल मेरी दराज़ ये ख़ाली थी, लेकिन इस घर में आके इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें भर गई हैं। और जो ज़रूरी सामान था, जो चाहिए था, क्योंकि हमने काफ़ी सामान जो है वो अभी पैक ही रखा हुआ है क्योंकि घर बहुत छोटा है तो कंजस्टेड हो रहा है, डब्बे निकालना इधर उधर फैल जाते हैं डब्बे, चलने फिरने की जगह नहीं होती। तो अब मैं जो है ना क्या करने लगी हूँ, मैं इसकी ज़रा चीज़ें देख लूँ। ये एक है फेयर एंड लवली का बॉक्स था, ये मेरे पास बहुत पुराना है, इसमें मैंने ना जब ये खाली हुआ था तभी से इसके अंदर नीडल्स हैं, सुइयाँ रखी हुई हैं मैंने इसमें। तो ये जो हैंड कैरी होता है
जब हमने शिफ्ट किया था उसमें था, तो ये उधर से उस बैग में से निकाल के मैंने इस ड्रॉज में सेव कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें मैंने रख ली थी जब हम इस घर में शिफ्ट हुए, जब मुझे ना एक एक मिनट पे चाहिए हो। तो ये जो है ये धागा एक खाली हो चुका है, ठीक है, और कई बार बटन टूट जाते हैं, कहीं इमरजेंसी सिलाई करनी होती है, वो वाली चीज़ें हैं ये सब। और ये इस्पगोल का साशे है जो मैंने पता नहीं कब मंगवाया था, यहाँ पे रखा हुआ है। और कुछ चीज़ें मैं निकाल भी चुकी हूँ जो बेड पे रखी हैं। ये एक शॉपर है, शॉपर के अंदर बहुत सारे शॉपर हैं, और जो नए शॉपर होते हैं ना वो वाले, और ये भी शॉपर हैं। और ये एक हमारी जो तस्बीह है वो टूट गई थी, वो मैंने इसमें रखी हुई है। ये मेरा एक वॉलेट है, और ये क्या है, ये मनाहिल का एक ज़ाइलोफोन है, उसके कार्ड्स है म्यूज़िक बजाने के। और ये हमारे मेरी सिस्टर का जो बेटा है उसकी शादी का कार्ड है, हम शादी पे गए नहीं लेकिन अब ये हवा झलने के काम आ रहा है हमारे, इससे हवा अच्छी आती है। एनीवेज, और ये कोई टॉय है, मनाहिल आपका टॉय, ये किंडर जॉय में से निकला है टॉय। और ये इसको ऐसे करके इसको मूव करते हैं। ये एक खाली रैपर है, आई डोंट नो किस चीज़ का रैपर है, कुछ इसमें ये जो है ना एज ए टैग यूज़ हो जाते हैं, कपड़ों में से निकलते हैं। अभी ईद आई थी तो ईद पे जो हमने ड्रेसेस लिए थे ये उसमें लटके हुए थे, और ये मैं जो है फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें बुक मार्क चाहिए होते हैं, तो बुक मार्क के लिए जो है फिर मैं इन चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मिलते नहीं हैं। फिर ये वो है टैबलेट्स हैं ये, जो माउथ के अंदर की है ये। और ये हैं डिस्प्रीन्स जो मैं खाती हूँ, मेरे जो हेडेक होता है। और ये क्या है, कैंडी के रैपर्स भी इसी में रखे हुए हैं। दिस इज़ चेज़अप, ये भी बुकमार्क बन सकता है। और इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं फेंकना नहीं चाहती, देखें इस तरह की चीज़ें ये मैं इसलिए नहीं फेंकती क्योंकि कई बार हमें बुकमार्क की ज़रूरत पड़ती है। ये भी बचपन तो इस तरह की चीज़ें हैं कुछ इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो वो चीज़ें ये देखें, मनाहिल की पोनी मिली है, बहुत मिट्टी से भरी हुई है, ये दराज जो है वो मिट्टी से भरी हुई है। और यहाँ लाइट का बहुत इश्यू हो रहा है, अंधेरा आ रहा है यहाँ पर, तो देखते हैं किसी चीज़ की लाइट जलानी पड़ेगी हमें ताकि हमें कुछ दिखाई दे। तो हमने इसको यहाँ पर थोड़ी सी लाइट जला दी ताकि कुछ दिखाई दे। और ये कुछ रैपर्स हैं, ये है पैनाडोल, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एड जो है वो भी यही बना हुआ है। ये मेरा माइक है ये, और इसका बैग है। एंड व्हाट इज़ दिस, ये एक थ्रेड है, धागा वो ख़त्म हो गया था आई थिंक, तो अब ये नया निकला है। और ये जो है ना, ये मेरा कैचर, देखें ये जो मेरा कैचर है ये ख़राब हो चुका है। इसका क्या ख़राब हुआ है, वैसे कैचर टूटा नहीं है लेकिन जो ये चीज़ होती है ना इसकी, ये जंग वाली हो गई और ये टूट गया है। इसका नया कैचर था लेकिन जब जंग वाली चीज़ हो जाती है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। और ये ब्रेक हो गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खारा पानी आता है। एक और धागे का मिला है, और ये कचरा है, ये अगरबत्तियों की स्टिक्स है। ये मैंने पता क्यों रखी हुई है, क्योंकि ना जब हम अगरबत्ती जलाते हैं और उसके बाद जब वो फ्रेश होती है उस वक्त ही, जब जलने के बाद वो बुझ जाती है, तो जिसकी जो स्टिक होती है ना उसमें से भी काफ़ी खुशबू आती है, इसलिए मैंने ये दराज में रखी हुई है। और शायद इसलिए मैं डालती गई ताकि दराज में से मेरी खुशबू आना शुरू हो जाए और आ रही है, बाकायदा मैंने सूंघ के देखा है। तो ये स्टिक्स जो हैं इनको फेंक देंगे आज। छोटी पेंसिल निकल रही है, छोटी पेंसिल किसने रखी भाई। एंड व्हाट इज़ दिस, ये कोई सा बटन है, ये मैंने तो नहीं रखा, आई डोंट नो किसने रख दिया। तो ये दो मोतियाँ और हैं, ये कोई सी की है जो यहाँ छुपी हुई है। और ये क्या है, ये है हर्बियन गैस्ट्रल प्लस डाइजेस्टिव टेबलेट्स। तो हमारे
स्टमक का काफ़ी इशू लग रहा है मुझे, क्योंकि स्टमक एंड हेडेक की जो है वो पेन किलर्स भी रखी हुई हैं। लाइट आ चुकी है, मनाइल टू लाइट्स जलाइए बेटा, लाइट्स ज़रा जला दो। हमारी लाइट अभी अभी आई है और हमें दिखाई देगा। ये मेरे पेन हैं जो मैं लिखने में यूज़ करती हूँ, और ये मोतियाँ हैं, इसमें रैपर हैं, रैपर छोड़ देते हैं, काम की चीज़ें इसमें से निकाल लेंगे ताकि बाकी हम खाली कर दें। ये भी एक टैग है। और क्या है इधर को, ये क्या चीज़ है, ये एक वाइप है। ये वाइप पता है मैंने क्यों रखा हुआ है, इसको फेंका क्यों नहीं, क्योंकि वाइप जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। और ये वाइप जो है ना, ये मैंने अपने फ़ोन क्लीन करने के लिए रखा हुआ है। इसको मैं गीला करती हूँ, वॉश करती हूँ और इससे अपने फ़ोन जो है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ, और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं है। तो ये क्या है, ये भी एक बुकमार्क है चेज़अप का, क्योंकि हमने ड्रेसेस जो हैं वो चेज़अप से ही लिए थे सारे, इसीलिए वो रखा हुआ है हमारे पास। ये क्या है, ये भी बचपन है। और ये टैबलेट्स हैं कुछ, ये टैबलेट्स हैं, पता नहीं कौन कौन सी टैबलेट्स, इस घर में आके इतनी टैबलेट्स हम खा चुके हैं, यकीन नहीं आता मुझे। और ये देखिए ये क्या है, ये मनाहिल के काम है, और ये बहुत अच्छे से मेरे बटन्स हैं जो मनाहिल खेल खेल के यहाँ फेंक चुकी हैं। और ये हैंड फ्री की मेरे एक क्लिप है, यूज़ में आता है, ये भी काम में आता है। तो पहले तो काम की चीज़ें निकाल लेते हैं ताकि फिर इसकी ना क्लीनिंग हो जाए। तो ये मोतियाँ हैं इसकी, मोतियाँ उठा रही हूँ मैं। ये मिट्टी वाला ज़रा काम था तो मैंने सोचा कि मैं लाइट गई हुई तो मैं कर लेती हूँ, फारिग हो जाऊँ ताकि मैं। ये जो रैपर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये खाली कैंडी के रैपर्स हैं, ये इसलिए यहाँ पड़े हुए हैं क्योंकि अगर मैं इधर उधर फेंक देती ना तो वो इधर उधर उड़ जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत ही सेफ़ करके रखे हैं ताकि ये उड़ के इधर उधर ना जाएँ। इसमें बे इंतहा अगरबत्ती की स्टिक्स हैं, और ये कोई एक पेपर है, इसको भी देख लेंगे कि क्या है, ये कौन सी लिस्ट है।
क्या हुआ?